हेलो दोस्तों, आज फराटा फैन में लो स्पीड और हाई स्पीड का कनेक्शन कैसे करते हैं वो इस वीडियो में जानेंगे। लो और हाई स्पीड के लिए हमें दो कंडेंसर का ज़रूरत पड़ेगा। दो कंडेंसर में चार वायर निकलेगा, तो दोनों कंडेंसर का कोई सा भी एक एक वायर ले लीजिए। देखिए, ये दोनों वायर को हम आपस में जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए, दोनों कंडेंसर के एक एक वायर को आपस में जोड़ लिया। अब ये बच गया दो वायर, इसको क्या करना है वो देखिए। अब ये पंखे से तीन वायर निकल रहा है, एक कॉमन का, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। अब पंखे से जो रनिंग वायर निकला हुआ है वो रनिंग वायर को कंडेंसर के बचे हुए दो वायर में किसी भी एक वायर में जोड़ लेंगे। तो देखिए, मैं कंडेंसर के इस वाले वायर में जोड़ लिया। अब इसके बाद ये पंखे के स्टार्टिंग वाले वायर को ये कंडेंसर का एक एक वायर जो ज्वाइंट किया था एक जगह, देखिए इस ज्वाइंट वाले वायर पर ही ये स्टार्टिंग वाले वायर को ज्वाइंट कर देंगे। अब ये जोड़ दिया। अब देखिए, अब वो वायर जो बच गया, ये कॉमन का बच गया, ये रनिंग हो गया और ये स्टार्टिंग हो गया। अब ये कंडेंसर का एक वायर बचा हुआ है। अब देखिए, इसके बाद हमें पंखे की जो स्विच है हाई लो वाला वो लेना पड़ेगा। अब देखिए, ये पंखे का स्विच है, इसका ये नीचे वाला ऑफ होता है और उसके बाद ये दोनों तरफ लो होता है और ऊपर वाला हाई होता है। अब यहाँ पर पी लिखा हुआ है, जहाँ पर रनिंग और कंडेंसर का वायर जुड़ा हुआ है वो जोड़ेंगे। उसके बाद ये कॉमन होता है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। इसके बाद अब देखिए, ये मेन लीड है, इसकी किसी भी एक वायर को स्विच वाले के कॉमन पे जोड़ देंगे। अब देखिए, ये बीच वाला जो होता है ये कॉमन होता है, तो मेन लीड के किसी भी एक वायर को इस पे जोड़ लेंगे। अगर संभव हो तो इसको सोल्डिंग कर दीजिए और नहीं तो इसको अच्छे तरह से टाइट कर दीजिए ताकि ये लूज ना रहे। लूज से क्या होगा कि ये गर्म होगा पत्ती, और गर्म होने के बाद ये पिघलने का खतरा रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये गर्म होकर हल्का पिघल गया है, तो इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे तो ये पिघलेगा नहीं। हीट नहीं होगा तो पिघलेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पी लिखा हुआ है, पी वाले पॉइंट में रनिंग का और एक कंडेंसर का वायर जोड़ा था, उस ज्वाइंट को इसमें पी वाले पॉइंट में अच्छे से टाइट कर देंगे। अब इसको अच्छे से टाइट करने के बाद ये कंडेंसर का देखिए एक वायर जो बचा हुआ है, उस वायर को ये स्विच वाले बचे हुए पॉइंट में इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, मेन लीड का जो दो वायर था, एक वायर को स्विच के कॉमन पे दे दिया और मेन लीड के दूसरे वायर को पंखे वाले कॉमन वायर में जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, ये मेन लीड का दो वायर जो आया हुआ है उसमें से एक वायर को पंखे के ये कॉमन वाले पे कनेक्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे। इसके बाद मेन लीड के दूसरे वायर को स्विच के ये कॉमन वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद पंखे के स्टार्टिंग वाले वायर को कंडेंसर का दो वायर जुड़ा था यहाँ पे, उस वायर को भी जोड़ देंगे। इसके बाद पंखे के रनिंग वाले वायर और कंडेंसर वाले वायर को ये पी जहाँ पे लिखा हुआ है, स्विच के पी वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। इसके बाद ये कंडेंसर का जो बचा हुआ वायर है उसको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो अब ये वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका फ़ैन हाई और लो मोड में चलने लगेगा। तो ऐसे ही कनेक्शन कर लेना है। अब मैं इसको चला के दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं है और मैं कहीं और निकल रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोग से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन विश्वास करिए, कनेक्शन बिल्कुल ओके है। ऐसे अगर आप लोग कनेक्शन कर लेते हैं तो आपका फ़ैन बिल्कुल हाई और लो में काम करेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।